वैक्सीन पर भी विपक्ष कर रही है राजनीति। अमर बौरी चतरा। भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए शनिवार को होटल साई रेसिडेंसी में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में कोविड 19 की चुनौती, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में संकट का मुकाबला करता राष्ट्र विषय पर चर्चा की गई। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री अमर बौरी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में लोगों को बीमारी से बचाने के लिए प्रधानमंत्री ने कई सराहनीय काम किए और निर्णय लिए। उनके प्रयास से ही देश को देश में टीकाकरण का काम तेज चल रहा है। सरकार का प्रयास है कि सभी को राजनीति झारखंड के अंदर 34% टीके को बर्बाद कर दिया गया। टीका आप मांग रहे हैं, टीका उपयोग नहीं कर रहे हैं, प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं और देश को बदनाम करने का, झारखंड को बदनाम करने का, देश के प्रधानमंत्री को बदनाम करने का कोई अवसर आप नहीं चूक रहे हैं। आप करा लीजिए जांच, आप जितना भी कुछ करा लीजिए। आज तक कोई फाइंडिंग्स तो नहीं लेकर के आ पाए हैं। आप सिर्फ और सिर्फ इस पूरे 1.5-2 साल के कालखंड में पूर्वाग्रह और मैं कह सकता हूँ कि एक विकृत राजनीति जिसमें कह सकते हैं, जिसमें आप जो भी सरकारें हैं, जो पूर्ववर्ती सरकार हैं, उसमें पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के उस पर जाँच कराइए, उसको फंसाने का काम कीजिए। आप विकास तो कर नहीं सकते। कोरोना में अपने झारखंड के नागरिकों को आप रक्षा नहीं कर सकते। 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं आप। राशन पे भी आपका जो वितरण प्रणाली फेल हो चुका है, वहाँ भी भ्रष्टाचार हावी हो चुका है। ये सारे चीज़ों से आप नौकरियाँ दे नहीं सकते हैं, आप भत्ता दे नहीं रहे हैं। सारे चीज़ों से आपने पल्ला झाड़ लिया है। जैसे शरीर पे धूल चढ़ता है और लोग झाड़ करके आगे निकल जाते हैं, वैसे ही हेमंत जी की सरकार, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार अपने शरीर से धूल हटा करके सभी लोगों को बेवकूफ़ बना करके आगे बढ़ गया है और ये जांच करा करके लोगों को डराना चाह रहा है, भारतीय जनता पार्टी को चुप कराना चाह रहा है। हमारे कार्यकर्ता आंदोलन कर रहे हैं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आंदोलन कर रहे हैं, तो उस पर केस राजद्रोह किया जा रहा है। इसे क्या डरने वाला भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है? हम लोगों ने 337-35 खत्म करने के लिए 55 साल संघर्ष करके वहाँ से तो खत्म कर दिया। झारखंड की सरकार को खत्म करने में चुटकी भर का समय नहीं लगेगा। ये सरकार को भी उखाड़ करके फेंक देंगे और झारखंड के अंदर फिर से एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करके सरकार का निर्माण करेंगे। नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में है और 34 करोड़ देशवासियों को टीका लगा दिया गया। बदनामी करेगा ही, विपक्ष का काम ही है बदनाम करना। जब टीका पहली बार आया तो क्या कहा यहाँ के सरकार के स्वास्थ्य मंत्री, यहाँ के वित्त मंत्री जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी है, उन लोगों ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि झारखंड की जो जनता है वो कोई चूहा और बिल्ली नहीं है जहाँ मोदी जी का टीका लगा करके उस पर प्रयोग किया जाए। ऐसा कह करके मोदी जी का टीका है, इस टीका को लोगे तो मृत्यु को प्राप्त करोगे, ऐसा अफवाह फैलाने का पाप कांग्रेस, आरजेडी और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार।